नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SBI न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम में मैं आज बात करूँगा कर्नाटक को लेकर। देखिए, कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी हाँ, और बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद राहुल गांधी का एक बयान आया। राहुल गांधी ने कहा कि अपना समय बर्बाद नहीं करें, कर्नाटक में बीजेपी के घोषणा पत्र पर अपना समय बर्बाद नहीं करें, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में किए वायदों को कोरी कल्पना करार देते हुए कहा कि लोग इस घोषणा पत्र पर अपना समय बर्बाद नहीं करें। राहुल ने ट्वीट कर कहा, कर्नाटक में बीजेपी का घोषणा पत्र पीएम नरेंद्र मोदी से प्रेरित है। इसमें कमजोर पटकथा और आधारित एक कोरी कल्पना को दर्शाया गया है। इसमें मतदाताओं के लिए कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ चुके हैं तो इसे पर समय बर्बाद नहीं करें। यानी कि उन्होंने जनता से कहा है कि समय इस पर बर्बाद ना करें। और जिस तरह से बीजेपी जो है लोगों को लुभाने में लगी है और जिस तरह का घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र किसी काम का नहीं है, ये कहना है राहुल गांधी का। आपको बता दूं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। और इसी बीच जो है कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस नेता ने जमकर येदियुरप्पा, जी हाँ, येदियुरप्पा पर निशाना साधा और उन्होंने भ्रष्टाचार जो है करार दिया येदियुरप्पा को। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का दौरा भी जारी है वहाँ पर, और बीजेपी ने एक मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है कि वो भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं, कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं सिद्धरमैया सरकार पे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के मंच पर उनके मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है, उसके खड़े होने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई नैतिक अधिकार है भाजपा नेताओं को और प्रधानमंत्री जी को कि वो भ्रष्टाचार पर बात भी करें। क्योंकि हमने येदियुरप्पा पे एक्शन नहीं लिया था, येदियुरप्पा पे सबसे पहले तो बीजेपी ने ही उनको निकाला भ्रष्टाचार के आरोप में, और उन्होंने पार्टी छोड़ी और नई पार्टी बनाई, और बीजेपी ने कहा कि ये भ्रष्ट हैं इसलिए हम उनको हटा रहे हैं, और इसके बाद वो वापस आ गए, उनको गंगा जल से जैसे धो दिया गया और वापस मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिया। तो हम जो येदियुरप्पा हैं वो स्वयं में भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति हैं, और उनके जो है उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना के प्रधानमंत्री का उनके बगल में खड़ा होना इस बात का परचायक है कि भ्रष्टाचार को जो लोग प्रश्रय देते हैं उन्हीं लोगों को जो है भाजपा बढ़ावा दे रही है। यही नहीं, दुनिया जानती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि रेड्डी ब्रदर्स ने किस तरह से कर्नाटक को लूटा है, किस तरह से उनके खिलाफ जो है केसेस बनाए गए थे, केसेस पूरे साबित हुए। संतोष हेगड़े ऐसा नामी जज जो लोकायुक्त थे कर्नाटक के, उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ दी थी। आज वही रेड्डी ब्रदर्स वापस बीजेपी के साथ फिर आ गए, उनके एक भाई को टिकट दिया गया है और सात उनके जो सबसे क्लोज समर्थक थे वो जो है उनको भी टिकट देके बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो इन दो बातों के बाद भ्रष्टाचार पे बोलने का अधिकार ना भाजपा के नेताओं को है और ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है, ये बात का एहसास उन्हें करना चाहिए। क्योंकि सिद्धरमैया के खिलाफ आज तक कोई आरोप नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई केस नहीं है। येदियुरप्पा के खिलाफ तो CBI के केसेस थे, और अब CBI के केसेस धीरे धीरे केंद्र सरकार CBI पे दबाव डाल के उन केसेस को विड्रॉ करा रही है, उनके खिलाफ क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। तो इसमें एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है कि जो क्लीन चिट उनको CBI ने जो है दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में दी है, उस पर जो है उसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने CBI के क्लीन चिट को मानने से मना कर दिया है, और SIT जो है उस जाँच को जारी रखने के लिए SIT का गठन किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, जो है रेड्डी के खिलाफ उन आरोपों की जांच करेगी। और CBI की जो ये आई वॉश है और क्लीन चिट है फर्जी जो उन्होंने दबाव में दी है, उसको कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो नहीं मानती है। तो देखा आपने कि किस तरह से जमकर जो है कांग्रेस नेता ने
येदुरप्पा को घेरा। अगर मैं बात करता हूँ कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में कांग्रेस के जो युवा नेता हैं उनको कर्नाटक चुनाव में उतारा जा रहा है। जी हाँ, देखने को मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कर्नाटक के दौरे पर थे और उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को सलाह दी थी कि वो सिद्धारमैया से सीखें, वो सोनिया गांधी से सीखें कैसे जो है लोगों की मदद की जाती है और कैसे फंड दिया जाता है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी जी, अगर ऋण माफी योजना लागू करना सीखना है तो मेरी नेत्री सोनिया गांधी से सीखो, जिन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी योजना लागू किया था। अगर ऋण माफी योजना लागू करना है तो सिद्धरमैया जी से सीखो, जिन्होंने कर्नाटक के लिए 8,200 करोड़ रुपए का ऋण माफी योजना लागू किया। कश्मीर से कन्याकुमारी में मेरा किसान आहत है, आज उसे अपना उपज का लागत नहीं मिलता, समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं, अनाज नहीं, बीज नहीं, खाद नहीं, बिजली नहीं। किसान देश का बेहाल, लेकिन भाजपा का नेता मालामाल। मोदी जी, याद रखिए कि अगर भारत की प्रभुता और अखंडता और मान्यता बनी है तो किसान की मेहनत और मशक्कत और खून और पसीने के आधार पर बनी है। अगर किसान को आपने छोड़ा तो वो दिन भी दूर नहीं जहां किसान भी इस भाजपा की सरकार को देश से उखाड़ के फेंकने वाला है। मेरे मध्य प्रदेश में मंदसौर में 6 किसानों के छाती पे गोली मारकर उनको मौत के घाट पे उतार दिया। टीकमगढ़ में जो किसान अपना हक मांगने गए, समर्थन मूल्य मांगने गए, उनको जेल में डालकर कपड़े उतार के डंडों से पीटा गया। तमिलनाडु के मेरे किसान जंतर मंतर में दिल्ली में अपने भाई बंधुओं के हड्डियों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन सरकार का एक मंत्री भी उनसे पूछने नहीं गया। महाराष्ट्र में 40,000 किसान जब सचिवालय पहुंचे तभी देवेंद्र फडणवीस की आंख खुली और उन्होंने उनकी मांग पूरी करने का संकल्प लिया। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, जो सरकार और मोदी जी कहते थे कि 1 सर के बदले में 10 सर हम लेके आएंगे, उस पाकिस्तान के सामने नतमस्तक होके साड़ी और शॉल की बात करके बिरयानी खाने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर चले जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी को सलाह दी। तो वहीं अगर मैं बात करता हूँ राहुल गांधी ने जिस तरह के कमान संभाली और बहुत तरीके से गेम खेल रहे हैं, बहुत तरीके से रणनीति बना रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल है, अहम बात है। और राहुल गांधी ने भी जिस तरह से पीएम मोदी को चौतरफा घेरा और निशाने पर लिया और क्या कहा उन्होंने, देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान की सरकार जितना पैसा दलितों और आदिवासियों को देती है उसका आधा पैसा सिर्फ कर्नाटका की सरकार दलितों और आदिवासियों को देती है। और जहां भी जाएंगे नरेंद्र मोदी, जहां भी जाएंगे दलितों की बात करेंगे, मगर फिर अगर समाज में दलित आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो नरेंद्र मोदी जी उसको रोकेंगे, उसको कुचलेंगे, उसको दबाएंगे, उनकी पार्टी के लोग उनको मारेंगे। और सबसे जरूरी चीज, जो आपका पैसा है बजट में, जो आपका पैसा है, दलितों का पैसा है, आदिवासियों का पैसा है, उसको डाइवर्ट करके किसी और को दिलवा देंगे। बड़े वायदे करते हैं, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखाऊंगा,
नरेंद्र मोदी जी के शब्द। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां कोई एक व्यक्ति है जिसके जेब में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख छोड़ो 10 रुपए डाले हों? आपसे कहा 15 लाख रुपए दूंगा और फिर देश की महिलाओं को, देश के किसानों को लाइन में लगा दिया, बैंक के सामने लाइन में लगाया, कहा 15 लाख छोड़ो, अब जो आपके जेब में है वो निकाल के तुम बैंक में डालो। तो देखा आपने कि किस तरह से राहुल गांधी ने भी चौतरफा पीएम मोदी को घेरा। तो वहीं देखिए, पीएम मोदी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, वो भी बहुत तरीके से जो है समय को देखते हुए काम कर रहे हैं और जिस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी रणनीति का एक हिस्सा है। आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने किसानों से बात की, वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरह की बातें की, किसानों को लुभाने की बात की और क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। मैं कर्नाटक के नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा पहले तो, और आप लोग किसान मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, आखिर के इन मोर्चों का दायित्व यही होता है कि उस क्षेत्र विशेष में भाजपा की बात, सरकार की बातें पहुंचाना और उस क्षेत्र विशेष के लोगों की कठिनाइयां भाजपा की वरिष्ठ नेतागिरी को पहुंचाना, सरकारों को पहुंचाना, और ये काम, ये जो ब्रिज है, मैं समझता हूं ये किसानों की समस्याओं का समाधान करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसान मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। दूसरा, एक ही क्षेत्र में पूरा समय काम करने से उस क्षेत्र विषय की मास्टरी आ जाती है। तो देखा आपने कि किस तरह से पीएम मोदी भी जो है लगे हुए हैं चुनाव जीतने में, चुनावी माहौल है, आखिरकार जीत किसकी होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।